नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। विधानसभा चुनाव 2019, हर रोज नए हालात बनते हैं, वही हर रोज ऐसा भी होता है। वो सोच और कल्पना से परे, लेकिन केवल राजनीति में ये संभव है। जी हाँ, सिरसा जिले की सियासत में रोजाना उलटफेर नजर आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर से मुलाकात करने के लिए कल शाम को जहाँ अभय सिंह चौटाला पहुँचे थे, वहीं कल सुबह जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने भी अशोक तंवर से मुलाकात की थी। अशोक तंवर ने भी साथ देने का वादा किया था। वहीं शाम होते होते इनेलो के बड़े और दिग्गज नेता अभय सिंह चौटाला अशोक तंवर के निवास स्थान पर पहुंच गए। अशोक तंवर ने भी कह दिया कि इनेलो को एलनाबाद विधानसभा से जिताना है। वहीं केवल एक रात ही बीती। सुबह होते होते गोपाल कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष, अशोक तंवर से मुलाकात करने के लिए उनके निवास स्थान पहुंच गए। मुलाकात करीबन एक घंटे तक चली। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गोपाल कांडा ने कहा कि मैं अशोक तंवर से मदद मांगने के लिए आया हूं। वहीं गोपाल कांडा ने कहा कि अशोक तंवर से मुलाकात करने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं और इसके साथ ही मेरे पुराने रिश्ते हैं। मैं जहाँ मदद मांगने आया हूँ तो अशोक तंवर मदद भी करेंगे। गोपाल कांडा ने कहा कि हमेशा तंवर साहब ने मेरा साथ दिया है। इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि चुनाव का माहौल है, जहां पारिवारिक रिश्ते होते हैं वहां मेल जोल भी चलता रहता है। गोपाल कांडा और मैंने पहले भी एक साथ काम किया है। हरियाणा की राजनीतिक हालातों पर हमने काफ़ी लंबी चर्चा की है। हम वही करेंगे जो सिरसा के लिए बेहतर होगा, और जो सिरसा के लिए बेहतर होगा उसके लिए मिलकर कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी अभी साथियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। गोपाल कांडा की पहले भी मदद की थी, अब भी आगे भी ठीक रहेगा। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा की विशेष रिपोर्ट। बिल्कुल आए सिंह चौटाला भी मुलाकात करने आए थे, क्या सियासी मांग? अभय सिंह जी का मुझे पता नहीं, मैं तो अशोक जी से मुलाकात कर रहा हूँ, तंवर साहब से। हमेशा इनसे मेरे पर्सनल रिलेशन है और आज भी मैं तो मदद मांगने आया हूँ पूरी तरह से। भाई साहब मुझे सपोर्ट करो पूरी। तो क्या आश्वासन मिला था आपके सामने खड़े हैं? आपके सामने खड़े हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूछ लो। हमेशा भाई साहब ने हमें साथ दिया ऐसी सिरसा में एक जगह है। तो देखो, ये तो चुनाव का माहौल है और मैं समझता हूँ कि जहाँ पारिवारिक और आत्मिक रिश्ते होते हैं वहाँ, ये तो सियासत का भी दौर है, तो सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। हमेशा हम लोगों ने पहले भी मिलकर के काम किया, जब ये यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे सरकार में, और सिरसा किस तरीके से आगे बढ़े, हरियाणा के राजनीतिक हालात, वो सारी हमने चर्चा करी है। और मैं समझता हूँ कि जो सिरसा के लिए बेहतर होगा, इस सिरसा ज़िले के लिए बेहतर होगा, हरियाणा के लिए बेहतर होगा, वही मिलकर के हम कदम उठाएंगे। तो क्या मदद? तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सारे साथियों से हम फीडबैक ले रहे हैं और सारी चर्चाएँ हैं। मदद तो ये पहले भी बढ़िया वोटों से जीते हैं, पिछली बार थोड़े से कई बार समीकरण बन जाते हैं, और आगे भी सब ठीक रहेगा।